Assalamu alaikum ji, welcome back to my YouTube channel. My name is Habiba Muzaffar and welcome back to another vlog. In this vlog, I'm gonna do my shoot today. ठीक है, आज मेरा शूट का दिन था. मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मनाया कि मैं ये शूट कर लूँ. और सेटअप सारा रेडी है, एज यू कैन सी सारा मेकअप शेकअप रेडी है. मैं अपना शूट खुद करती हूँ, ये मैंने चीज़ें खुद सेट की हैं. वन मैन आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी. तो अब देखते हैं मेरी लुक कैसे टर्न आउट होती है. वैसे आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोना डू दिस, बट लेट्स सी. बाय. बैठ तो मैं गई हूँ, अब फोन को सेट वगैरह करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं कैसे करती हूँ अपना मेकअप. हाँ जी, वॉइस ओवर वाली हबीबा इज बैक. यहाँ पे मैंने अपने बालों को कस के बांध लिया था कि यार बीच में नहीं आना, अब सिर्फ मैं होंगी और मेरा मेकअप होगा. मैंने अपनी फाउंडेशन बनाने से स्टार्ट किया. मुझे जौन सी भी फाउंडेशन मिली, जौन सा भी फेस पाउडर मिला, मैंने वो सब कुछ लगा लिया. मैंने कहा आज तो मुझे प्यारे लगना ही लगना है. और बस यहाँ पे थोपने का काम जारी है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है. जियो न्यूज के साथ आप लोग यहीं पे रहे, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ब्रेक देती मैं अपने वीडियोस में. अच्छा खैर, हमेशा मैं आइवरी की फाउंडेशन यूज करती हूँ, बट दिस टाइम मैंने F1 फाउंडेशन यूज की, विच वाज अमेजिंग. मिडोरा का मैंने फेस पाउडर यूज किया था और उसके बाद मैंने कंटूरिंग वाले शेड से अपनी क्रीज बनाई. ये मेकअप लुक आप शादी के किसी भी फंक्शन पे आराम से कर सकते हैं. और अगर आप लोगों ने ब्लैक ड्रेस पहनना है तो उसके साथ ये वाला लुक बहुत अच्छे से जाता है. नहीं तो लोग काली कर लेते हैं अपनी आंखें स्मोकी आईज बनाने के चक्करों में. यहाँ पे मैंने पिंक और एससी लंदन का थोड़ा ऑरेंजी सा शेड है वो मैंने मिक्स करके लगाया है, एंड इट टर्न्ड आउट सुपर गुड. और इसके ऊपर मैं एक ग्लिटर सा लगाऊंगी जिससे ये वाइब आ जाए कि आप बाकी एक शादी के लिए मेकअप कर रहे हो, लेकिन मैं तो वैसे ही मेकअप कर रही हूँ, मुझे तो वैसे ही करने का शौक है. बात असल में ऐसी है कि मुझे शादी पे कोई बुलाता ही नहीं है. अच्छा, बैक टू द मेकअप. यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर. बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि लाइनर लगाना सिखा दे बहन, लाइनर लगाना सिखा दे. तो मैं सबसे पहले नोक निकालती हूँ अपने लाइनर की, विंग लगाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आगे से इसको फिनिश करती हूँ. वैसे मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ विंग ही लगाऊं, लेकिन कभी कभी जब फुल लगाना होता है तो सबसे पहले विंग निकाल के उसके बाद पूरा लगाती हूँ. अगर आप लोगों ने मेरे पहले भी ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं मेकअप के, तो आपको पता होगा कि मैं आई के नीचे पिंक आई शेडो जरूर लगाती हूँ, एंड इट लुक्स गुड. यहाँ पे ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मेरी विंग जो है वो ठीक लगे भी हैं कि नहीं, लेकिन व्हाटएवर, जो लग गया वो लग गया. यहाँ पे आप लोगों ने ढेर सारा मस्केरा लगा लेना है, ठीक है, ऊपर वाली पलकों पे, नीचे वाली पलकों पे, हर जगह लगा लेना है, ठीक है. जब आप लोगों ने मस्केरा से फ्री हो जाना है, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है हाईलाइटर. जहाँ जहाँ मैं थोप रही हूँ ना, वही वही थोप लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा. यू विल लुक सुपर प्रीटी. ओके, वैसे तो आप हो ही, लेकिन और लगोगी. ओके पीपल, सो द मेकअप इज डन. एज यू कैन सी इट्स लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल. यार मैं बताती हूँ, अगर आप लोग ब्लैक ड्रेस पहन रहे हो ना, तो आपको ब्लैक स्मोकी आईज, काली आईज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू कैन ट्राई दिस मेकअप, दिस इज अमेजिंग. और टीन एजर्स जो कि मेरे जितने हैं, ठीक है, उनके लिए दिस इज बेस्ट. लड़कियों, तुम लोग खूबसूरत हो, वैसे ही और खूबसूरत लगोगी, ठीक है. तो यस, अब मैं खलारा समेट हुई जो मैंने क्रिएट किया, उसके बाद फिर हम लोग कपड़े शपड़े पहनते हैं, एंड देन मैं आप लोगों को मिलती हूँ. सीन ये है कि मैंने कपड़े प्रेस होने के लिए दे दिए हैं, और मैंने कहा है मामा को कि मुझे कुछ खाने के लिए भी दे दें. तो जब तक वो आता है, हम लोग कुछ खाते हैं, फिर कपड़े पहन के हम अपने बाल बनाएंगे. मेरा ये है कि आप लोग ना कपड़े पहन के बाल बनाया करो, बिकॉज उसके बाद फिर बाल खराब हो जाते हैं कपड़े पहनते पहनते. सो यस, फॉलो फॉर मोर ट्रिक्स. मेरा व्हाइट सॉस पास्ता आ गया है. मामा ने मुझे कहा ये खा लो अभी, तो फौरन से हम ये खाते हैं और साथ साथ कपड़े प्रेस हो रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ. ड्रेस इस्त्री होके आ चुका है, और इसके साथ ये ट्राउजर है और ये दुपट्टा है. सो लुक हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस टर्न्ड आउट. ओह माय गॉड, लुक्स सो प्रीटी. अब हम लोग बाल बनाएंगे और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ. जो जूते हैं ना, ये हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज सिर्फ ड्रेस का शूट हो रहा है, जूतों का नहीं हो रहा. तो मुझे याद आया कि मैं जो हूँ ना, अपना ब्रश नहीं लेकर आई. तो मिशन सक्सेसफुल. मैं बालों को कर्ल करूँ. सबसे पहले मैंने अपने बालों को कंघी किया, और मैं थोड़े थोड़े से स्ट्रेट करूंगी. जैसा कि आप देख सकते हैं, नेचुरली भी थोड़े से स्ट्रेट हैं मेरे बाल, बस इसको ओवरऑल करने की जरूरत पड़ती है. ये करने के बाद मैं डालूंगी अपने बालों में कर्ल. You.
it turned out so good. Mashallah, mashallah, बोल देना ठीक है. Mashallah. अब हम पहनते हैं ज्वेलरी और मेरी मत बज गई है. अगर मैंने अब शूट ना किया तो सूरज नहीं चले जाएगा, मैंने रोना है. फॉर द इयररिंग आई एम गोना वेयर दिस गोल वाले हुप्स. आई डोंट नो हाउ आई एम गोना एडिट दिस व्लॉग बिकॉज ये इतना लंबा हो गया सिर्फ मेकअप शेकअप के चक्कर में. वीडियो मुझे वीडियो से अंदाजा हुआ यार इतना टाइम लगता है मुझे मेकअप शेकअप करने में. ब्रेसलेट कैन आई वेयर दिस वॉच बट दिस इज सो बिग तो बाद में पहन लेते हैं. इस हाथ में हम ये वाली रिंग पहनेंगे ठीक है. इस हाथ में हम ये वाली रिंग पहनेंगे. Okay, I am ready. All set. अब मैं नीचे जाके सबके reactions लेती हूँ, उसके बाद मैं आके pictures वगैरह click करती हूँ. All the pictures and videos करते सी goes to अफ़ुल्ला. बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो. ये नहीं लंबा हो गया मेरे से. लेकिन इसे पिक्चर बहुत अच्छी खींची है, इसलिए भी इसकी अच्छी खींची है. इसीलिए लाइक्स आ रहे हैं इस वीडियो पे मेरे, है ना? हाँ, we are twinning. हाँ, black black. Black black. चलो चले. Time खत्म. चलो. Fusion जाओ. चलो ओके गाइस, मैंने सारी पिक्चर्स वगैरह ले ली हैं, सारी वीडियो शीडियोस बना ली हैं, 3D स्लोमोस भी बना लिए हैं ठीक है. अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरा फोन भी अंडे पे आ चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कैच करती हूँ जब ये चार्ज हो जाएगा ठीक है. वेट करो, यही रहो ठीक है. आपके तो 2 सेकंड लगने हैं, मेरे तो 2 घंटों में चार्ज हो रहे हैं. मैंने कर लिया है चेंज और मैंने बाल छाल नहीं सही किए, मेकअप भी नहीं उतारा और ये सनग्लासेस मैंने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि प्यारी लग रही हूँ. तो अब ये है कि मैं व्लॉग को एडिट करने लगी हूँ थोड़ा बहुत और सारे जो मैंने पिक्चर्स वगैरह ली हैं उनको मैं सही करके रखने लगी हूँ, मतलब रखने मतलब सेट करने लगी हूँ और फिर देखते हैं क्या करते हैं. या मम्मी इज मेकिंग भिंडी चिकन. यहाँ पे हमने चिकन डाल दिया है और पेस्ट जो बनाया था टमाटर मिर्चों और थोम अदरक का वो और प्याज भी बीच में है और ये साइड पे हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है. यस, ये भिंडी चिकन एकदम रेडी है और आज जो मैं आप लोगों को खिलाऊं. कम हियर ओके पीपल, सो द बेबी फेस इज बैक एंड डोंट डू एनीथिंग. Thank you so much guys for watching this vlog. Make sure to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी next video में. अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, bye.